हेलो एंड वेलकम, मैं दीपा सिंह। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम दीपा नेहरू सिंह। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर ले। सो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आज हमारा होम टूर दिखाने वाली हूँ, हमारा इन द सेंस कि मेरा घर, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सांता क्लॉथ, ये भी मेरे सिस्टर ने मुझे बना के दिया है, हैंडमेड है। और ये बस ऐसे ही छोटे मोटे डेकोरेशन के चीजें हैं जो मैंने जस्ट ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि अकेले टाइम पे आप इन्हीं सबके साथ एंजॉय कर सकते हो। और ये है, मैंने ये प्लम ट्री ली थी। ये है मेरा छोटा सा सिटिंग एरिया जहाँ पे मैं बैठ के अपने अभी रिसेंट यूट्यूब वीडियोस को एडिट करती हूँ, सीख रही हूँ। ये काफी कोजी है और बहुत मजा आता है मुझे यहाँ पे बैठने में, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे। और ये आप पीछे देख सकते हो, ये पीछे भी जो है
ये मेरी सिस्टर ने ये बना करके दिया, ये मैंने प्रिंट निकाला है, प्रिंट को हम लोगों ने हैंड फ्रेम बना करके वॉल पे स्टिक किया है। और ये रहा मेरा प्यारा सा सोफा जहाँ पे मैं बैठ के वीडियोस बनाती हूँ। आइए मैं आपको मेरा छोटा सा बालकनी भी दिखाती हूँ। बालकनी से पहले मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए, ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया था, हो गया ऐसे। मैंने एक साल पहले मैंने इसे परचेज किया था और यहाँ पे मेरी मम्मी की फोटो है जस्ट इसके ऊपर। हर जगह हर रूम में मेरी मम्मी की फोटो है, जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं उन्हें हमेशा देखते रहती हूँ। आइए मैं आपको अपने बालकनी दिखाती हूँ। ये मेरे थोड़े से कपड़े लगे हुए हैं, वहाँ पे मैंने अपना इन्वर्टर लगा के रखा है, आप देख सकते हो। बालकनी को कुछ ज्यादा डेकोरेट नहीं किया। आइए मैं अब आपको दिखाती हूँ मेरा बेडरूम। ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा बेडरूम, ये रहा मेरा बेड, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी की फोटो मैंने लगा करके रखी है। और ये है मम्मी की फोटो के जस्ट पास पे मेरी फैमिली फ्रेम, जो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिली है और इसमें मेरे सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं। और ये मैंने बटरफ्लाई अपने बेड के पीछे लगा करके रखा है। आइए मैं दिखाती हूँ मेरा स्टडी टेबल। छोटा सा स्टडी टेबल जहाँ पे मैं बैठ करके कुछ होता है तो मैं अपनी डायरी वगैरह लिखती हूँ और अपने यूट्यूब के बारे में कुछ कुछ लिखते रहती हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने बुक्स रखे हैं। ये देखिए ये कितना क्यूट सा जो कप पुराना हो चुका था कॉफी मग, उसे भी मेरी सिस्टर ने डेकोरेट किया है। और ये रहा मोर पंख, जो चिताई धाम मंदिर है धनबाद का बहुत फेमस, ये वहां से मैं लेकर के आई थी। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेकअप एरिया। सो आप ये देख सकते हैं ये छोटा सा मेरा कॉर्नर, जो मैंने सारे चीज़ यहाँ पे रखा है। स्पेशली मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा मैसी है सो प्लीज़ इग्नोर इट। और यहाँ मेरे कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सो मेरे पास प्रॉपर मैंने अलमीरा नहीं लिया है तो मैं इसे यहाँ पे प्लास्टिक बैग में रखती हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग और खूबसूरत है ये मेरा मिरर। और ये देखिए मेरा खूबसूरत छोटा सा प्यारा सा मिरर, इसे हमने डेकोरेट किया है। ये जो है ये कपड़े का लेस है, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ब्लू कलर का मैंने कपड़े का लेस लेकर इसमें स्टिक किया है। ये मेरी सिस्टर और मेरा आइडिया था और ये उसने ऐसे जस्ट नॉर्मल कुछ डेकोरेटिव यहाँ पे लगा दिया जिससे बहुत खूबसूरत लगता है। और जब मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो इस रूम में सबसे प्यारा मुझे यही दिखता है। ये मेरा छोटा सा होम टूर था, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, नहीं भी लगा तो भी लाइक करें और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। मैं यहाँ पे रेंटेड हाउस में रहती हूँ सो छोटा सा घर था प्यारा सा, इसे मैंने बहुत प्यार से डेकोरेट किया है। सो होप आपको अच्छा लगा हो एंड वंस अगेन आप सबको विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंजॉय कीजिए, स्टे सेफ रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।